كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز قال النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه دريا جو بہ رہا ہے سبحان تیری قدرت ہر قطرہ یہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت جو بار اٹھا سکے عرض و جبال و افلاک انسان سہ رہا ہے سبحان تیری قدرت عرض کرنے کو جی چاہتا ہے مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے
चाहता है। ये किस जान जाना का फैज़े नजर है कि जी से गुजरने का जी चाहता है। बिगड़ने ही में ये उम्र गुजरी है सारी, खुदाया अब संवरने को जी चाहता है। मुहम्मद मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई, जमीन को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। वो आए तो मुनादी हो सारे जमाने में, वो आए तो मुनादी हो गई सारे जमाने में, बहार आई बहार अंदर बहार आई। زینت بزم حضرات علماء کرام، حضروں کی دھرتی کے قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، اور اگر اکناف اور اطراف میں بیٹھی میری قابل تکریم و توقیر بہنیں اور بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں، تو میری قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، آپ کا یہ پروگرام عشاء کے بعد سے شروع ہوا، آپ کے انتظار میں انتظامیہ نے مختلف طریقوں سے کھینچ تان کر 9 بجے تک ہمیں لے گئے۔ آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب تو تر و تازہ ہو کر تشریف لائے ہیں، ہماری صبح و دن پورا مزدوری ہے، حالانکہ بات اس کے برعکس ہے۔ آپ کا جلسہ سالانہ ہے اور ان بندہ عاجز کا جلسہ روزانہ ہے، تو اس لیے جو روزانہ والے ہوتے ہیں وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو محض اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے اور آپ کی توجہ اور آپ کی محبت سے، ورنہ جب توجہ نہیں ہوتی تو پھر شاید جو کچھ آ رہا ہوتا ہے ذہن سے وہ بھی رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک
हमारे इसमें बैठने को कबूल और मंजूर फरमाए। उलमा की बड़ी जमात हमारे बहुत ही मेहरबान हजरत मौलाना नईम साहब, मौलाना हारून साहब और मौलाना इस गुलशन के मेहमान हमारे काबिले इफ्तिखार मौलाना अनीस साहब और उलमा की बड़ी तादाद यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के मिल बैठने को कबूल और मंजूर फरमाए बुलंद आवाज से। मेरे बहुत ही काबिले एहतराम दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना है और रबी के माना क्या माना है, रबी के माना क्या है? बहार। अरबी जबान में रबी बहार को कहते हैं और रबीउल अव्वल का मतलब बहार का पहला महीना। आज रबीउल अव्वल है लेकिन ये मौसम सरमा और खिजा के आखिर में है, लेकिन जब मेरे महबूब नबी तशरीफ लाए तो रबीउल अव्वल कमरी हिसाब से भी बहार था और शमसी हिसाब से भी बहार था, इसलिए कि ये इत्तेफाक नहीं था, मेरे रब का इंतखाब था। मेरे महबूब ने किस महीने में आना है, किस लम्हे आना है, सुबह सादिक का वक्त है बता दिया, अब सादिक और अमीन आ चुका है। इस तरह सुबह सादिक के बाद फिर रात नहीं आया करती, अब इस तरह आमना के लाल के बाद कयामत तक कोई नबी भी नहीं आ सकता। बहार के महीने में मेरे महबूब नबी तशरीफ लाए और ये आपको पता है बहार खिजां के बाद आती है। बहार के मुखालिफ खिजा है, सरमा गर्मा, खिजां बहार, सरमा बहार नहीं होती, खिजां बहार, सरमा गर्मा। लिहाजा मेरे नबी तशरीफ लाए बहार में, पता चला कि मेरे नबी के आने से पहले खिजां थी। मेरे नबी तशरीफ लाए बहार में, मेरे नबी से आने से पहले खिजां थी। खिजां क्या थी? बारिशें नहीं होती थी। खिजां क्या थी? फूल नहीं खिलते थे। खिजां क्या थी? फल नहीं उगते थे। नहीं नहीं, खिजां थी दिलों में तारीखियां थी, दिल वीरान थे, सोसाइटी वीरान थी। उस वीरान सोसाइटी में आमना का लाल बहार बनकर आ गया। आज की इस गुफ्तगू में उलमा की ताईद और तौसीक के साथ मैं एक बात समझाने की, दोहराने की कोशिश करूंगा। आज दुनिया अपने आप को तहजीब याफ्ता कहती है, महजब कहती है। आज मगरब अपनी तहजीब पे फख्र करता है और हम भी उसकी तहजीब को अपना कर तो कहीं ना कहीं हम भी फख्र करते हुए नजर आते हैं। हमारा बेटा जब 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 मगरबी तहजीब में आराइश्ता होकर आता है
तो शायद बहुत कम वालदेन होते जिनके चेहरे पे शिकन आती हो, अक्सर इतराते हैं कि देखिए सड़ा पुत्र कह जा हो गया, कैसा है हमारा बेटा। हर चीज का एक मंबा है, हर चीज का एक मस्तर है कि ये चीज फलां जगह से निकली है। आज की मगरब की तहजीब को मैंने तलाश किया, ये कहां से निकला, इसका मंबा क्या है, इसका मस्तर क्या है। तो जब मैं तहकीक करते 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 पहुंचा तो मुझे पता चला कि इसका मंबा जमाना जाहिलियत है। इसका मंबा जमाना जाहिलियत है। मैं जमाना जाहिलियत के उस खिजा रसीदा सोसाइटी को देखता हूं। उस सोसाइटी में क्या था यार, ये इसका ईगो खत्म करो यार, किधर है ईगो खत्म करो, माइक चलाओ। मैं उस खजा रसीदा मौसम को देखता हूं। उस खजा रसीदा मौसम में क्या है, वो जो सोसाइटी है मैं देखता हूं, वहां पर जुल्म का बाजार गर्म है, जुल्म का बाजार गर्म है, वहां पे चोरी और डाका है, वहां पे गुलोकार और फनकार बड़ी कसरत के साथ है। मैं देखता हूं उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में मेरे महबूब नबी तशरीफ लाए, मैं देखता हूं उस सोसाइटी में शराब कसरत के साथ पी जाती है, जिना और बदकारी के अड्डे कायम हैं। मैं देखता हूं उस सोसाइटी में जिसको ज़माने जाहिलियत कहा गया, मैं देखता हूं कि वहां पर फहाशी और उरियानी आम कल्चर है। यहां तक कि बैतुल्ला का तवाफ मर्द और औरतें नंगे होकर करते हैं। मैं देखता हूं रिश्ते पामाल हैं, रिश्तों की कोई हैसियत नहीं, मां औलाद में मीरास की तरह तकसीम होती है, रिश्तों का पास नहीं, मां तकसीम होती है, निजाम सूदी है, शराब पी जाती है, जिसके हाथ में कुव्वत है वो महकूम और मजलूम को पीस रहा है। ऐसे में मेरा महबूब नबी बहार बनकर आया, बहार बनकर आया, दिलों का करार बनकर आया। उसने उस गिरी हुई सोसाइटी को, उस मजबूर सोसाइटी को, वो जो अखलाकी अकदार से बुरी तरह पामाल सोसाइटी थी, उसको कितना बुलंद किया, कितना बुलंद किया, इतना बुलंद किया। मेरी बहनों बेटियों सुनो, इमामुल अंबिया जिस बेटी को दफना दिया जाता था, जिसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, इमामुल अंबिया जब सफर से वापस आते हैं, सबसे पहले जिस दरवाजे पे दस्तक होती है वो सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा का घर को सुनकर दरवाजा खोलती है, आपकी जबीन अतहर को चूमती है और खुशी से अपनी जगह पर अपने कंधों से चादर उतार कर नीचे बिछाती है, मुस्तफा को अपनी जगह बैठाती है, सामने बैठकर बाप बेटी को देखकर मुस्कुरा रहा होता है, बेटी बाप को देखकर मुस्कुरा रही होती है, और कायनात इन दो बड़ों को देखकर मुस्कुरा रही होती है। फिर यही बेटी
जब बारगाह रिसालत में जाती है तो फिर मैं वहां देखता हूं कि बिल्कुल इसी तरह मेरे महबूब नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। और फिर मैं इससे भी आगे देखता हूं कि वो अजमतों वाली कमली मेरे आका अपने कंधों से उतार कर अपनी जगह पर बिछाते हैं, अपनी बेटी को वहां बिठाते हैं और सामने देखकर बेटी बाप को देखकर मुस्कुरा रही होती है, बाप बेटी को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और कायनात इस मकाम देने पर फातिमा के मुकद्दरों पर रश करती हुई नजर आ रही होती है। सहाबा किराम ने पूछा, आका हमें पता है फातिमा आपको बहुत अजीज है लेकिन बेटी है, बेटी है। हमने देखा जब फातिमा आती है आप खड़े हो जाते हैं। तो रहमतों वाले नबी ने फरमाया, जो कुछ मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते। आका वो क्या? फरमाया, मेरी फातिमा मेरे तरीकों पे चल के इतनी शान वाली, इतने मकाम और मर्तबे वाली बन चुकी है कि मेरी फातिमा जिन गलियों से गुजरती है मलाइका इसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। हा हा, उस खिजा रसीदा मुआशरे में मेरा नबी आया, उसने इंसानियत को इतने बड़े मकाम पर पहुंचाया कि जिब्रील अमीन अपनी मलकूती सदाएं पहुंचा रहे हैं, रुक गए। पूछा, आका ये सामने से अबू जर आ रहे हैं? फरमाया, हां ये मेरा दीवाना है, परवाना है, मस्ताना है, लेकिन ये तो मस्तूरुल हाल है, इसे तो मदीने के लोग अच्छी तरह नहीं जानते। आप तो सैयदुल मलाइका हो, आप मेरे इस दीवाने को किस तरह जानते हो? तो जिब्रील अमीन कहने लगे, आका ये आपके तरीकों पे चल के ये इतनी शान वाला, ये इतने मकाम वाला, ये इतने मर्तबे वाला बन चुका है कि इसको मदीने वाले उतना नहीं जानते जितने आसमानों वाले इसे जानते हैं। अल्लाह, इसे आसमानों वाले जानते हैं। जिन गलियों से गुजरता है उन गलियों के तस्करे मलाइका करते हैं, जिस मजलिस में बैठता है उस मजलिस के तस्करे मलाइका करते हैं। ये इंसानियत को ये मकाम कैसे मिला? ये मुस्तफा की बहार की वजह से मिला। सब कहते बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर। मुस्तफा की बहार की वजह से ये इंसानियत को मकाम मिला। वो मेरा महबूब नबी, वो मेरा शान वाला नबी, जिसकी शान मेरा रब बयान करते हुए वही रुक जाती है, वही रुक जाती है। मेरा नबी परेशान है, मुस्तरिब है, बेकरार है। चंद दिनों के बाद जब वही आती है तो अब मेरा रब अपने नबी को तसल्लियां दे रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कसमें उठा उठा कर, आए आए आए, कसमें उठा उठा कर। कसमें भी कैसी? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى عظمتوں والے رب نے قسم کھائی والضحى حضرت تھانوی نے کیا ترجمہ کر دیا
वद्दुहा कसम है मेरे महबूब तेरे पुरनूर चेहरे की। कसम है मेरे महबूब तेरे पुरनूर चेहरे की। वल्लैल इज़ा सजा कसम है मेरे महबूब तेरी सिया जुल्फों की। वो चेहरा कितना हसीन जिसके लिए शायर रसूल मद्दाहे मुस्तफा सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ। मेरे महबूब इन आंखों ने बहुत चेहरे देखे लेकिन तुझ सा सोना वेखिया ही नहीं। मैं वेखदा किथे किसे मां तेरे वर्गा ते जनिया ही नहीं। आए हाय खुलिकता मुबर्रा मैं कुल्याई बिन। मेरे महबूब ये नात ऐसे नहीं जलसे में कि ऊंची आहो सुभान अल्लाह छिके आहो सुभान अल्लाह। ये नात हो रही है मुस्तफा के सामने और मुस्तफा तशरीफ फरमा है जिब्रील अमीन ताईद फरमा है तो पता लगा अभी से मुस्तफा बन गई तकरीर हो गई। नबी ने एतराज नहीं किया। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल आइबिन। मेरे महबूब रब ने आपको हर ऐब से पाक बनाया और अगर मोहब्बत बड़े अंदाज में ताबीर की जाए तो यूं भी हो सकती है कि मेरे रब ने हाफिज को कहा कारी को कहा आलिम को कहा मुत्तकी को कहा मुजाहिद को कहा मुसलमान को कहा ऐब के करीब ना जाना अपनी जिंदगी को ऐबदार ना बनाना। लेकिन जब अपने महबूब की बारी आई तो ऐब को महबूब को खिताब नहीं किया बल्कि ऐब को खिताब करके फरमाया देख सारी दुनिया को मैंने कहा तेरे करीब न जाना लेकिन ऐ अय्यूबो मैं तुम्हें कह रहा हूं ये मेरा पाक नबी है इसके करीब न जाना। खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली आइबिन كأنك قد خلقت كما تشاء। यूं लग रहा है जैसे आप चाहते गए आए आए। जैसे आप चाहते गए वैसा मेरा रब बनाता गया आए आए। मेरे रब ने सारे चेहरे बनाए लेकिन मेरे महबूब के चेहरे की कसम खाई है। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ। जिस तरह आप चाहते गए वैसा मेरा रब बनाता गया। अगर मैं विजदान की बात करूं तस्वुर की आंख से देखूं तो यूं लगता है कि मेरे रब ने पूछा होगा
मेरे महबूब बता कैसी आंख बनाऊं। अर्ज की होगी मेरे रब्बा, अगर तू पूछ कर बनाना ही चाहता है तो फिर ऐसी आंख बना के अबू बकर पे डालो तो सिद्दीक अकबर बन जाए, उमर पे डालो फारूक आजम बन जाए, उस्मान पे डालो सिन्नूरैन बन जाए, अली पे डालो हैदर करार बन जाए, हसनैन पे डालो सैयदा शबाब अहल जन्ना बन जाए, और इब्ने अब्बास पे डालो मुहद्दिसे ज़मा बन जाए, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद पे डालो फकीह दौरा बन जाए, फकीह दौरा बन जाए, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास पे डालो मुफस्सिर कुरान बन जाए, अबू हुरैरा पे डालो मुहद्दिसे ज़मा बन जाए, 124,000 यारों पे डालो सारे जन्नत के हकदार बन जाए। वो चेहरा बनाकर तो मेरा रब क्या फरमाता है, वद्दुहा कसम है मेरे महबूब तेरे पुरनूर चेहरे की, वल्लैल इज़ा सजा कसम है मेरे महबूब तेरी स्याह ज़ुल्फों की, मेरे महबूब बता तो सही जब तेरा चेहरा इतना हसीन बनाया, जिसकी कसम मैं उठा रहा हूँ, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, भला बता ऐसे मुखड़े वाले को कोई छोड़ सकता है। मोहब्बत की बात, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, और बाज़ अहले इल्म ने वद्दुहा का तर्जमा यूं भी किया, मेरे महबूब कसम है वही की किरणों की, वल्लैल इज़ा सजा कसम है मेरे महबूब वही के रुक जाने की, इसलिए कि वही की किरणें फैलती हैं तो रोशनियां फैलती हैं, और जहां पर वही रुक जाती है वहां अंधेरे ही अंधेरे हैं, जहां रोशनी पहुंची हजरों में पहुंची, आज मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा की बातें सुन रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, और जहां नहीं पहुंची वहां गलियां तो रोशन हैं, दीवारें तो रोशन हैं, लेकिन दिलों में तारीकियां हैं। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां वो शफी आसियां गुजर गया, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां गुजर गया। आज जहां तक मेरा महबूब उसका पैगाम नहीं पहुंचा, वहां आज भी तारीकियां हैं, वहां आज भी जुल्मतें हैं। रब्बुल आलमीन, मैं कितनी रातें जुदाई में तड़पता रहा, सिसकता रहा, उसका बदला क्या है? अल्लाह ने एक और कसम उठाई, लाम कसम का लाकर मेरे रब ने एक वादा फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला। मेरे महबूब, मैं कायनात का रब कसम उठा के कहता हूं, तेरा हर आने वाला कल पहले से बेहतर बना दूंगा। आज दुनिया में सबसे बड़ी चीज मुस्तकबिल का खौफ है ना, आज हम इसी मुस्तकबिल को महफूज करने में लगे हुए हैं,
इसी मुस्तकबिल के चक्कर में लगे हुए हैं। आज हम अपनी औलादों को दीन नहीं पढ़ाते, क्यों? कि खांसी कितू है, कितू खांसी जी। वो हमारे एक मौली साहब है, वो कहने लगे कि ये भी अजीब बात है, कहते खांसी कितू और इनको खुद महीना महीना छोटा गोश्त नसीब नहीं होता, और हमारे तालिब इलम कहते हैं उस्ताद जी कुछ दिन दाल भी पकाओ गोश्त खाए, कहता की गया इधर मल्ला जी नहीं है। तो मेरे बहुत ही काबिले एहतराम दोस्तों, हमारे एक मौलाना सुना रहे थे कि एक मदरसे के पास जो है वो कुछ हजरात आए, तो वो आकर पूछने लगे कि भाई ये आपका निजाम चलता कैसे है। तो कहा अल्लाह चलाते हैं यार, अल्लाह चलाते हैं, किस तरह चलता है? बस ये इसी तरह। नहीं नहीं बोले साहब पूरी गल दसो, गल छुपाओ नहीं, चलता किस तरह है, पूरा निजाम दसो किस तरह चलता है। चलना भाई इसी तरह चलता है। कहने लगे इस तरह किस तरह चलता, हमारा चूल्हा नहीं चलता, तुम्हारा निजाम पूरा चलता है। कहने लगे अभी यही तकरार हो रही थी तो एक लैंड क्रूजर आकर रुकी, उसके साथ एक डाला रुका। ये क्या है जी? कि जी हमारे कर्नल साहब उन्होंने जनाब ये एक देग बिरयानी की और ये जनाब दो बकरों का सालन बना के भेजा के तलबा को दो। हमने कहा इस तरह चलता है, इस तरह चलता है। कल की फिक्र, अब ये बहुत ही संजीदगी से बात करने लगा, हम इस कल के लिए तो परेशान हैं जिसकी मुद्दत क्या है, 25 साल सोने में गुजार देता है बंदा, 25 साल। अगर उम्र 75 साल नसीब हो तो 25 साल सोने में और 25 साल पढ़ने में, कितने हो गए? 50। हिसाब ठीक है तुम्हारा, बाकी क्या रही यार? 25। वो भी उसकी कि जिसको अल्लाह 75 नसीब करे। वो एक बाबा था ना, तो बड़ा अफसरदा बैठा था, तो किसी ने पूछा नौजवान ने, बाबा बड़े अफसरदा लग रहे हो। कहने लगा बेटा चराग सहर हों, हवा के झोंके का मुंतजर हों, पता नहीं कब हवा का झोंका आएगा बुझा देगा। तो नौजवान भी बड़ा आरिफ था, कहने लगा बाबा बड़े नसीबों वाले हो कि सहर तो नसीब हुई, हम तो चराग मगरिब हैं, इसी में डर रहे हैं, इसी में फड़फड़ा रहे हैं कि कहीं मगरिब ही के वक्त बुझा ना दिए जाए। तुम तो नसीबों वाले हो कि सहर तो मिली है तुम्हें। आज हमने इस 20-25 साल के मुस्तकबिल के लिए अपनी औलादों को अल्लाह के दीन से दूर रखा है। कल औलादों का हाथ होगा, तेरा मेरा गिरेबान होगा। ये बेटा कहेगा, ये बेटी कहेगी, ए अल्लाह मेरे बाप ने कहा डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, साइंसदान बन, मैंने बन के दिखाया, अगर ये कहता हाफिज़े कुरान बन मैं क्यों ना बनता। क्या जवाब होगा कि फीस नहीं थी मदरसे में? सीरत मुस्तफा पर सर दुनने वालों, मेरा रब कसम उठाकर कहता वालल आखिरतु खैरुन लक मिनल औला, मेरे महबूब मैं तेरा हर आने वाला कल पहले से बेहतर बनाऊंगा। अहले इल्म ने लिखा जो महबूब के तरीके पे होगा उसका भी कल पहले दिन से बेहतर होगा। अगर जवानी में बैठा उस्ताद तफसीर पढ़ाने लगा और जब 60 से ऊपर गया तो इदारों में क्या होता है, पेंशन दे के हाथ जोड़ के घर भेजने, बाबा करा जाओ पैसे कर देसा कर जाओ। लेकिन अल्लाह का दीन इतनी शान वाला है, जब ये 60 साल पूरे करता है तो पहले इसको मुफस्सर कहते थे, अब उसको शेख तफसीर कहते हैं। जवानी में बैठा हदीस पढ़ाने, उसे मुहद्दिस कहते हैं, लेकिन वो ही पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ा हो गया,
अब उसको रिटायर्ड नहीं करते बल्कि उसको शेखुल हदीस कहते हैं। जितना बढ़ता जाता है उतनी इज्जत में एहतराम में इजाफा होता जाता है। और दुनिया क्या है, जितना बढ़ता जाता है उतना घटता जाता है। दुनिया में उम्र जितनी ज्यादा, एक ब्यूरोक्रेट है उनकी बड़ी अजीब कहानी, हमारे एक दोस्त है उन्होंने कहा कि एक ब्यूरोक्रेट बड़ा सीनियर सेक्रेटरी गवर्नमेंट रिटायर्ड हुआ, उसने दुखड़ा सुनाया। मैंने कहा जी आजकल क्या मसरूफियात है, तो उसने कहा जी कि मेरा नाम आजकल घर पे है हिस्की। तो कहने लगे हमने बड़ा सोचा कि बड़ा क्लासिकल किस्म का नाम है, हिस्की क्या हुआ है। तो कहने लगे कि मैंने पूछा ये समझ में नहीं आई, कहने लगा दर्दनाक कहानी है, इतनी जल्दी समझ थोड़ी आती है। हमने कहा थोड़ी तफसील सुना, कहने लगा मैं जब डायरेक्ट 17वें ग्रेड में गया तो घर में बच्चे मुझे अब्बू कहते थे, जब मैं 17वें ग्रेड में गया तो बच्चे डैडी कहने लगे, जब 18वें 19वें पहुंचा तो बच्चे डैड कहने लगे, और जब मैं 20वें में पहुंचा 21वें तो अब मुझे बच्चे पापा कहने लगे। आज भी बड़े खुश होने में तो देखो माशाल्लाह बच्चा हमें पापा कह रहा है, ये पापा रूम ही जुमता है। तो कहने लगे कि जी हम पापा थे, हम भी बड़ा फख्र करते थे, पेंशन हो गए तो जो पेंशन के पैसे मिले बच्चों को दिए, थोड़े देर के बाद रिवर्स लग गया, पापा से वापस डैड हो गए, फिर थोड़े और पैसे थे वो भी खत्म हो गए तो डैड से डैडी हो गए, फिर जो और कुछ था वो भी फारिग हो गया तो अब उसके बाद फिर अब्बू हो गए। कहने लगा अब बिल्कुल ही फारिग हो गया तो आजकल घर में मेरा नाम है इसकी। मैंने पूछा बात समझ में नहीं आई, इसकी क्या नाम हुआ। कर लगा क्या पापा डैड फलां फलां, आजकल सूरत हाल यह है कि बच्चे खाना छाना खा के फारिग हो के कहते हैं वो हिस्की भी की देता है कि नहीं, समझ नहीं हो रहा हिस्की तुम कड़ी को अरबी है बोल रहे हो, अब वो हिस्की भी की देता है कि नहीं, ये आपने कहा एहसान देता है कि नहीं, हाँ उन समझाएगा एडी पटवारी उसी चीज की आदत है, तो तुसी आना एहसान को देता है कि नहीं, हम क्या डैड था क्या किसी का, ये है दुनिया, ये है दुनिया मेरे दोस्त। और दीन ये है कि इसके साथ लग जाओ तो हर आने वाला दिन पहले से ज्यादा बेहतर बन जाएगा। दुनिया में कितने कमिश्नर मरे, दुनिया में कितने सेक्रेटरी रिटायर्ड होकर मरे, कोई पता है? एक तहसीलदार था उसने तहसीलदारी कुर्बान करके मुस्तफा का गुलाम बन गया। एक तहसीलदार मुस्तफा का गुलाम बना और आज दुनिया उसे हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है, और उसकी नमाज जनाजा में कि लोग कहते हैं कि इस सदी का, पाकिस्तान का नहीं, इस सदी के बड़े जनाजों में बड़ा जनाजा था। पता ये चला इज्जत मेरे अल्लाह के दीन में है, इन्नल इज्जत लिल्लाह जमीअ। लेकिन हुआ क्या, हुआ यह कि अंबिया आए, अंबिया की दावतों का, अंबिया की पुकार का, उस बहार का इस्तकबाल नहीं किया गया, मजाक उड़ाया गया।
ये कैसी दुनिया है, खिजा का इस्तकबाल और बहार का तमस्खुर। तो मेरा रब फरमाता है, या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अल्लाह अकबर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया हसरतन, हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस कहने वाला कौन है? बुलंद आवाज से वो बांग्लादेश वाले भी बोला ना, कौन है? मैं ये तो बिल्कुल ही, या हसरतन कहने वाला कौन? अल्लाह 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 अल्लाह। नहीं समझे? दिल पर कलम की ज़र्ब लगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल पर कलम की ज़र्ब लगा शाम लिया कर उसके नाम में। आए हाय आए हाय, उसी से जिससे याद आया मुझे, उसके नाम में, उसके नाम में कितना मजा। ला उसके नाम में कितना मजा। ला इलाहा इल्लल्लाह, सारी कायनात कुन से बनाई, फूलों और फलों से सजाई, सब कुछ तेरा है, है सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तू उसका। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला बुलंद आवाज़ से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अज़मत वाला रब फरमाता है, या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। जब भी मेरा रसूल आया, चाहिए था कि वो बहार लेके आया, तुम उसकी बहार का इस्तकबाल करते, लेकिन तुमने तमस्खुर उड़ाया,
तुमने मजाक उड़ाया। उलमा की मौजूदगी में एक तालिबे इल्म ना बात करना चाहता हूँ, उसे अपने पल्ले में बांध देना। मेरे रब ने इस फकीर के दिल पे उतारी अल्लाह पाक की तरफ से ये खैर है, अगर दुरुस्त है तो उसका करम है, अगर कहीं गलती है तो अल्लाह मुआफ फरमा कर मेरी इसलाह फरमाए। मेरे रब ने फरमाया इस मरहले पे, एक और दूसरी जगह फरमाया कुल या इबादी الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا। يا حسرة على قل يا عبادي الذين اسرفوا। मेरा रब फरमाता है मेरे महबूब तेरे पास कातिल आ गया, पूछता है मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरा क्या होगा, तायब हो गया, रो पड़ा। अल्लाह फरमाते हैं कुल मेरे महबूब कह दीजिए या इबादी ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे। यार निस्बत की ये इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी कि अगर आप किसी सदर के पास वजीर आजम के पास बड़ी शिकायत लेके जाओ कि जी ये फलां मौली साहब हमारे साथ इन्होंने फलां कर दिया ये कर दिया, तो अगर वो कहे तो सड़ा बंदा है, अगर वो ये कह दे ये तो सड़ा बंदा है, तो मतलब ये है कि आपको राजी करेगा इसको कुछ नहीं कहेगा, आपको राजी करेगा इसको कुछ नहीं कहेगा। लिहाजा कातिल आया, जालिम आया, गुनाहगार आया, गुनाहों से आलूदा जिंदगी लेके आया। रब फरमाता है मेरे महबूब कह दीजिए या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम, मेरे वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर दिया। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना, क्यों इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। कुरान की इस आयत ने इतना बड़ा सहारा दे रखा है गुनाहगार को, इतना बड़ा आसरा दे रखा है खताकार को। मेरा रब फरमाता है या इबादी दुनिया भर का गुनाह लेकर आ गया, रब ने फरमाया या इबादी ए मेरे बंदो ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, लेकिन इसके बरस गुस्ताख रसूल आया, गुस्ताख रसूल आया तो रब का लहजा बदल गया, फरमाया या हसरतन अलल इबाद। हाय 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 या हसरतन अलल इबाद। सबसे पहले तो रब ने अपनी निस्बत तोड़ दी कि जो मेरे नबी का गुस्ताख होता है वो मेरा हो ही नहीं सकता। कातिल को तो अपना बंदा कहा, डाकू को तो कह दिया, शराबी को तो कह दिया, दुनिया भर के गुनाहों में जिंदगी गुजारने वाले को मेरे रब ने अपना बंदा कह दिया, लेकिन जब गुस्ताख़े रसूल की बारी आई तो कुरान का लहजा बदल गया, या हसरतन अलल इबाद, अपनी निस्बत हटा दी कि जो मेरे रसूलों का गुस्ताख होता है वो मेरा नहीं होता।
लिहाजा याद कर आज अगर मगरिब मेरे महबूब नबी के कार्टून बनाए, मेरे महबूब नबी पे बेहुदा फिल्में बनाए, मेरे महबूब नबी का तमस्कर उड़ाए, जो जिन्होंने तमस्कर उड़ाया रब ने अपनी निस्बत से उन्हें खारिज कर दिया। लेकिन उलमा की मौजूदगी में अगली बात कहने लगा हूं, जो हुक्म असल का होता है वही वारिस का होता है। अगर आप किसी के मुरीद हैं तो जो पीर साहब का एहतराम है वही खलीफे का है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। अगर अंबिया का तमस्कुर मेरा रब बर्दाश्त नहीं करता तो वही रब अल्लाह के, वही रब उलमा के तमस्कुर को भी कभी बर्दाश्त नहीं करता। उससे क्या होता है, एक रिवायत मैंने देखी और मैं लर्ज के रह गया। फरमाया जो लोग उलमा की मुखालफत, और चीज है किसी की राय के साथ इख्तलाफ हो सकता है, भाई भाई के साथ इख्तलाफ राय रख सकते हैं उसमें कोई, लेकिन जो शख्स उलमा का मजाक उड़ाता है, तमस्खर उड़ाता है, फरमाया उसका खात्मा ईमान पे नहीं होता, उसका खात्मा ईमान पे नहीं होता। आज हम अपनी पार्टियों को अपने चंद टकों और चंद मफादात के लिए हमने आज पगड़ी दाढ़ी को निशाना बनाया, आज हमने उलमा का तमस्कर उड़ाया। और याद रखो, जो उलमा और अहलुल्लाह का तमस्कर उड़ाया करता है मेरा रब उनसे ईमान वाली नियामत छीन लिया करता है। मुखालफत अपनी जगह पर, और फिर मेरे नबी के गुस्ताखों के साथ जो मोहब्बत वाला सलूक है, जो इज्जत वाला सलूक करे, फिर वो रब से इज्जत तलाश करे, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है। याद रखो, ये रियासत नजरिए की रियासत। आज ये बड़ी अजीब बात कही जाती है कि जी हम उलमाए कराम को कौमी धारे में लाना चाहते हैं। ये ऐसे जुमले नहीं होते हैं, इसके पीछे बाकायदा एक दिमाग होता है। इन जुमलों के पीछे एक साइंस है, एक साइंस है, एक लॉजिक है। ये ऐसे नहीं है कि चलते फिरते बात आ गई, ये इंपॉर्टेंट जुमले हैं। कौमी धारे में लाया जाए, इसका मतलब एक नौजवान बच्चे के जहन में यह चीज राशिक करना है कि ये जाहिलों की कोई दुनिया है, ये अनपढ़ों की कोई दुनिया है, ये दहकानियों की कोई दुनिया है, इनको कौमी धारे में शामिल करके कोई लिखा पढ़ा के तो इनको भी कोई मुअज्जब बनाए। एक प्रोग्राम में एक साहब इसी तरह तकरीर फरमा रहे, जुमले आए ना तो बस आगे उनके नुमाइंदे रटे रटाए सुना रहे होते हैं। तो हम यहां भी कहते हैं, हर जगह कहते हैं, उस वक्त भी कहा कि उलमा और मदारिस कल भी कौमी धारे में थे और आज भी कौमी धारे। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा है। इन मदारिस में यही नजरिया पढ़ाया जाता है, इन मदारिस में यही नजरिया पढ़ाया जाता है। मुल्क के दस्तूर और मुल्क के आईन के खिलाफ किसी मदरसे में कुछ नहीं होता। इसी मुल्क के दस्तूर को, इसी आईन को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के हर मदरसे में पाकिस्तान के नजरिए की हिफाजत की जाती है। फिर इससे आगे आए, इस कौम की जबान क्या है, कौमी जबान उर्दू। हमारे तमाम मदारिस में हमारा मीडियम उर्दू है,
इस कौम का कौमी लिबास क्या है? शलवार और कमीज। पूरे मदारिस के अंदर शलवार और कमीज हमारा मदरसे का लिबास है, नजरिए का मुहाफिज मदरसा, जबान का मुहाफिज मदरसा, मुल्क के कौमी लिबास का मुहाफिज मदरसा। और वो कह रहे हैं कि जो मुल्क के नजरिए के मुखालिफ, जिनके जिस्मों पर लिबास फरंगी का, जिनके लबों पर जबान फरंगी की, उनको कहते हैं वो कौमी दायरे में हैं, और इनको कहते हैं इनको कौमी दायरे में लाना है। ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये अजीब मंतव्य है। कौमी दायरे में उनको लाओ जिनकी जबान इस मुल्क की नहीं, जिनका लिबास इस मुल्क का नहीं, जिनकी फिक्र इस मुल्क की नहीं, जिनकी फिक्र इस मुल्क की, जिनका लिबास इस मुल्क का, जिनका कल्चर और तहजीब इस मुल्क की, वो इस मुल्क के हकीकी मानों में वारिस हैं। और हम पूरी कुव्वत से कहते हैं कि पाकिस्तान पर अल्लाह ना करे कोई मुश्किल वक्त आया तो यही कौमी दायरे में चलने वाले इदारे इस पाकिस्तान की एक एक चप्पे की हिफाजत के लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन ये क्या कयामत है बागबानों, ये क्या कयामत है बागबानों, जिनकी खातिर बहार आई। ये बहार मुस्तफा है। ये क्या कयामत है बागबानों, जिनकी खातिर बहार आई। यही शगुफे खटक रहे हैं तुम्हारी आंखों में खार बनकर, यही शगुफे खटक रहे हैं तुम्हारी आंखों में खार बनकर। ये खार नहीं है, ये इस मुल्क की बहार है। और ये बहार, इस बहार का आगाज मेरे आका के कदमों से होता है, और इस बहार का नसब और इस बहार की निस्बत भी गुंबद खजरा है। वहां से निकलने वाली किरणें, वहां से निकलने वाली रोशनियां पूरी दुनिया के अंदर इस बहार का जरिया है। और जब तक पाकिस्तान का एक एक दीनदार मुसलमान मौजूद है, दावत और तबलीग की बहार जारी रहेगी, मदारिस की बहार जारी रहेगी, खानकाओं की बहार जारी रहेगी, और आदमी कुव्वत और आदमी कुफर के खिलाफ जिहाद की बहार भी जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज। ये मुल्क पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए है, इस नजरिए के लिए है। उस नजरिए की हिफाजत यहाँ का पीर जवान भी करेगा, यहाँ का आलिम भी करेगा, यहाँ का किसान और यहाँ का ताजर भी करेगा। इसलिए कि वो समझता है कि ये बहार मेरे आका के तालीमात से है। जब तक ये बहार रहेगी, ये मुल्क पुर बहार रहेगा। और अल्लाह न करे जो इस मुल्क में खिजान लाना चाहते हैं, अल्लाह न करे कि वो खिजान इस मुल्क में आए। मेरा रब इस मुल्क को खिजान से बचाकर इसमें कमली वाले की बहार लाने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।